चले भाई, तो आज यहाँ से एक नया ज़िला स्टार्ट करेंगे हम लोग, मतलब पहला ही ज़िला है ना, और पहला ज़िला होगा हमारा क्या, कांकेर होगा। ठीक है, चलिए कहाँ से चेंज हो गई, यहाँ से। ठीक है, तो भाई हम कांकेर ज़िला स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको जाना होगा भाई कांकेर ज़िला आपका कौन सा संभाग में है। तो आप मुझे बताओ भाई कांकेर ज़िला किस संभाग में है, बस्तर संभाग में है। अगर कांकेर ज़िला आपके बस्तर संभाग में है तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि हमारा जो कांकेर ज़िला है, इस कांकेर ज़िले का जो स्थापना वो कब हुआ है, 25 मई 1998। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके छत्तीसगढ़ में 1998 को 9 नए ज़िलों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और वो जो 9 नए ज़िले थे, उन 9 नए ज़िले में जो सबसे पहला ज़िला था वो क्या था, आपका कांकेर था। तो कांकेर ज़िले की शुरुआत, मतलब कांकेर ज़िले का जो गठन कब हुआ है, 25 मई 1998। और आप मुझे भाई 1998 में आपके छत्तीसगढ़ में कितने नए ज़िले बने थे, 9 नए ज़िले बने थे। उन 9 नए ज़िले में जो सबसे पहला ज़िला क्या है, आपका कांकेर है। क्या आपका कांकेर। और आपको ये अच्छे से मालूम है कि कांकेर ज़िला एक संभाग के अंतर्गत आता है जिसका नाम क्या है, बस्तर। और अगर मैं बात करूँ बस्तर की, तो बस्तर को हमने संभाग का दर्जा कब दिया है, 1981 में। तो ध्यान देना, 1981 में बस्तर क्या बना, संभाग बना। और आपको यह भी ध्यान देना होगा कि जब बस्तर संभाग बना था तो उसी समय आपका जो बिलासपुर है ये नगर निगम भी बना था। तो बिलासपुर नगर निगम कब बना है, 1981 को। और 1981 को और क्या हुआ है, बस्तर एक क्या बना, संभाग बना। बस्तर एक क्या बना, संभाग। और उसी बस्तर संभाग के अंतर्गत आपको एक क्या मिलेगा, एक जिला मिलेगा जिसका नाम क्या है, कांकेर है। तो कांकेर जिले का स्थापना कब हुआ है, 25 मई 1998। कब हुआ है, 25 मई 1998। अब ये ध्यान देना आप लोग, अगर कांकेर जिले का स्थापना 25 मई 1998 को हुआ है तो ये हमारा कौन से नंबर का जिला हुआ। तो आपको ये याद रखना होगा कि 1998 से पूर्व आपके छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, 7 थी। सातवां जिला क्या बना था, आपका राजनांदगांव। इसीलिए जो आठवां जिला वो क्या होगा, कांकेर होगा। तो कांकेर आपके छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का जिला हुआ, 8वें नंबर का ये क्या है, जिला है। तो फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कांकेर जिला किस संभाग में आएगा, बस्तर में। बस्तर संभाग का जो स्थापना है वो कब हुआ है, 1981 को। 1981 को बस्तर संभाग जब बना तो बस्तर संभाग बनने के दौरान और क्या हुआ, बिलासपुर नगर निगम बना। क्या बना, नगर निगम बना। कौन बना, बिलासपुर बना। और 1998 में आपके छत्तीसगढ़ में कितने नए जिले बने हैं, 9 नए जिले। उन 9 नए जिलों में जो सबसे पहला जिला बना क्या बना, कांकेर बना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कांकेर जिला है ये हमारे छत्तीसगढ़ का कौन से नंबर का जिला है, 8वें नंबर का। क्योंकि कांकेर से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, 7 थी। और 7वें नंबर का जिला क्या था, आपका राजनांदगांव था। क्या था, आपका राजनांदगांव। चलिए, तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, आपका कांकेर पढ़ रहे हैं, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि कांकेर जो आपका जिला है, इस जिले का नामकरण, इस जिले का नामकरण एक ऋषि मुनि के नाम से हुआ है जिनका नाम क्या है, कांकेर ऋषि, या ऋषि काकराय, ऋषि काकराय। तो ऋषि काकराय के नाम से कांकेर जगह का क्या पड़ा है, नाम पड़ा है। तो कांकेर जिला को समझने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि कांकेर जिला का एक मानचित्र बना लेंगे। चलो भैया सब लोग अपना अपना मानचित्र बनाएंगे यहां पर, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि भाई ये जो क्लास है ये आपका ऑनलाइन भी होगा, चाहो तो आप लोग ऐप से ही पढ़ सकते हो। ऐप में 3 दिन ये रिकॉर्डिंग जाएगा, बाकी दिन क्या रहेगा, ये लाइव रहेगा, ठीक है। चलिए सब लोग मैप बनाएंगे,
ये हो गया आपका नरहरपुर, ये हो गया आपका चरामा, चरामा के नीचे ये हो गया आपका कांकेर, ये हो गया आपका भानुप्रतापपुर, भानुप्रतापपुर के बाजू में दुर्कोंडल, इस दुर्कोंडल के ठीक नीचे में ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपका एक और खंड है और इस खंड को हम बोलते हैं क्या, तो पखांजूर। ये हो गया आपका पखांजूर और इसी पखांजूर के पैरल आपको एक और खंड मिलेगा और ये जो आपका खंड है इसका नाम है अंतागढ़। क्या आपका अंतागढ़। चलिए तो मान लीजिए ये हमारा कांकेर जिला है, तो अगर ये हमारा कांकेर जिला है तो हमको ये मालूम है कि कांकेर जिला में कुल मिला के कितने खंड है, तो आप बोलोगे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपके कांकेर जिला में कुल मिला के कितने खंड है, 7 खंड। और ये जो 7 खंड है ये सभी 7 खंड क्या बनेंगे आपके, 7 विकास खंड। क्या बनेंगे आपके, 7 विकास खंड। तो कांकेर जिला में कितने विकास खंड है, 7। और ये 7 विकास खंड क्या क्या है, नरहरपुर, चरामा, कांकेर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, दुर्कोंडल और पखांजूर। पखांजूर को हम कोयली बेड़ा भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोयली बेड़ा। तो आप मुझे बताओ भाई आपके कांकेर में कितने खंड है, 7 खंड। और ये 7 खंड क्या क्या बताओ, पहला ऊपर में क्या है, नरहरपुर, बाजू में क्या है, चरामा, उसके बाजू में क्या है, कांकेर, उसके बाजू में क्या है, भानुप्रतापपुर, उसके बाजू में क्या है, दुर्कोंडल, नीचे में क्या है, पखांजूर और अंतागढ़। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि भाई आपके कांकेर में कितने विकास खंड, 7। और ये 7 विकास खंड क्या क्या है, चरामा, बोले भर क्या क्या है, चरामा, और क्या है, नरहरपुर, और क्या है, कांकेर, और क्या है, भानुप्रतापपुर, और क्या है, दुर्कोंडल, और क्या है, पखांजूर, और क्या है, अंतागढ़। है ये 7 विकास खंड है और ये 7ों के 7ों विकास खंड क्या बनेंगे, तहसील बनेंगे। क्या बनेंगे आपके, तहसील। तो कितने विकास खंड, 7, और कितने तहसील, 7। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपके कांकेर में जितने भी विकास खंड होंगे वो सभी विकास खंड क्या होंगे, आदिवासी विकास खंड होंगे। क्योंकि हमारे बस्तर संभाग में, हमारे बस्तर संभाग के अंतर्गत अगर 7 जिले आते हैं तो 7ों के 7ों जिलों में जितने भी विकास खंड होंगे वो सभी विकास खंड कैसे होंगे, आदिवासी विकास खंड होंगे। कैसे होंगे, आदिवासी विकास खंड। इसलिए मैंने बोला कि भाई जो हमारा कांकेर है अगर इस कांकेर में 7 विकास खंड है तो 7ों के 7ों विकास खंड कैसे हैं, आदिवासी विकास खंड है। क्लियर ये। तो आप मुझे बताओ भाई कांकेर जिले का स्थापना कब हुआ, 25 मई 1998। कांके जिला के संभाग में है, बस्तर में। बस्तर संभाग कब बना है, 1981 को। अगर 1981 को बस्तर संभाग बना तो क्या, तो कौन नगर निगम बना, बिलासपुर। तो बिलासपुर क्या बन गया आपका, नगर निगम। इस कांकेर का नामकरण कौन से ऋषि के नाम से है, ऋषि काकराय, ऋषि काकराय। और कांकेर में कितने विकास खंड है, 7। और वो 7 विकास खंड क्या क्या है, चरामा, नरहरपुर, कांकेर, भानुप्रतापपुर, दुर्कोंडल, पखांजूर और अंतागढ़। और ये सभी विकासखंड कैसे होंगे, आदिवासी विकासखंड होंगे। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अगर ये हमारा कांकेर जिला है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारा प्यारा जो कांकेर जिला है ये कुछ जिलावर सीमा भी बनाएगा। आप ये देखोगे कि चरामा के ठीक इधर में, चरामा के ठीक इधर से लेकर आपके पूरा यहाँ तक, आपके पूरा ये नरहरपुर तक, ये एक जिलावर सीमा बना लेगा जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, धमतरी है। क्या नाम है, धमतरी। तो ये धमतरी से क्या करेगा, ये जिलावर सीमा बनाएगा। अगर ये हमारा क्या है, कांकेर जिला है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कांकेर जिला अपने पूरे दक्षिण पूर्व में एक जिलावर सीमा बनाएगा एक जिले से जिसका नाम क्या है, कोंडा गांव। तो ये पूरा भाग किसका हो गया, कोंडा गांव का। और अगर ये हमारा कांकेर जिला है तो आपको फिर से समझना होगा कि कांकेर जिला अपने पूरे दक्षिण में एक जिले से, एक जिले को स्पर्श करेगा और ये जो जिला होगा इसका नाम क्या होगा, नारायणपुर। क्या नाम होगा, नारायणपुर। तो आप मुझे बताओ भाई कांकेर जिला अपने उत्तर और उत्तर पूर्व में या पूर्व में किस जिले को वो स्पर्श करता है, धमतरी को, उसके नीचे में कोंडा गांव को और उसके बाजू में नारायणपुर को। और अगर ये हमारा कांकेर जिला है तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कांकेर जिला अपने इस पूरे क्षेत्र में एक जिलावर सीमा बनाएगा एक जिले से जिसका नाम क्या होगा, बालोद।
और ठीक अपने उत्तर पश्चिम में भी ये एक जिलावर सीमा बना देगा, एक जिले से, इसका नाम क्या है, राजनंदगांव। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि जो कांकेर है ये कितना जिलावर सीमा बना रहा है, पांच। और ये पांच क्या क्या है, राजनंदगांव, बालोद, धमदरी, कोंडागांव और नारायणपुर। और क्या हो गया आपका, नारायणपुर। और अगर ये हमारा कांकेर जिला है तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कांकेर जिला अपने पूरे पश्चिम में एक राज्यवर सीमा बनाता है, और ये राज्यवर सीमा किससे बनाएगा, तो महाराष्ट्र से। किससे बनाएगा, ये महाराष्ट्र से। तो भाई कितना ये जिलावर सीमा बना रहा है, पांच, और कितना ये राज्यवर सीमा बना रहा है, एक। और ये एक राज्य को अगर छूता है तो वो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है। कौन सा राज्य है, वो महाराष्ट्र है। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर ये हमारा कांकेर जिला है तो हमारे कांकेर जिला में जाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक नेशनल हाईवे का चुनाव करेंगे। ये जो नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से निकलेगा, मध्य प्रदेश से निकल कर ये कवर्धा जाएगा, कवर्धा जाएगा, ये कवर्धा से ये बेमेतरा आएगा, बेमेतरा से ये सिमगा आएगा, सिमगा से ये कहाँ जाएगा, रायपुर जाएगा, रायपुर से ये अभनपुर होते हुए धमदरी जाएगा, और धमदरी से हल्का सा बालोद टच करते हुए ये एंटर कर जाएगा कहाँ पर, कहाँ पर, कांकेर में। और ये जो नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे का नाम है NH-30। क्या नाम है, NH-30। तो अगर हमको कांकेर जिला जाना है तो हम कौन सा नेशनल हाईवे पकड़ेंगे, NH-30 पकड़ेंगे। तो नेशनल हाईवे क्रमांक 30 इसी NH-30 से हम प्रवेश करेंगे कहां पर, कांकेर में। तो जब कभी भी आप इस NH-30 से प्रवेश करोगे कहां पर, कांकेर में, तो ध्यान देना सबसे पहले आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, चरामा होगा। क्या नाम होगा, चरामा। तो ये हमारा एक क्या है, नेशनल हाईवे है। और ये जो नेशनल हाईवे है इसका नाम क्या है, NH-30। तो ये हमारा NH-30 है। ये हमारा क्या है, NH-30। और इस NH-30 से आप कहाँ एंटर कर रहे हो, कांकेर एंटर कर रहे हो। तो जब कभी भी आप इस NH-30 से कांकेर एंटर करोगे तो सबसे पहले आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है, चरामा। आपको इमेजिन करना होगा कि आप सभी अपने अपने गाड़ी में हैं, आप सभी अपने गाड़ी में कहां पर है, रायपुर में है। आप रायपुर से कहां जाएंगे, कांकेर जाएंगे। जब आप रायपुर से कांकेर जाओगे तो रायपुर से आप अभनपुर जाओगे, अभनपुर से आप धमदरी जाओगे, और धमदरी से हल्का सा क्या, बालोद। चूंकि ये ऐसा कट नहीं रहा है मेरे से तो समझ जाना, ये हल्का सा कहां जाएगा, ये बालोद, और बालोद से वापस कहां आएगा, ये चरामा की ओर आएगा। कहां आएगा, ये चरामा की ओर। और ये कौन सा नेशनल हाईवे है, ये NH क्या है, 30 है। और ध्यान देना NH-30 आपके छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा क्या है, नेशनल हाईवे। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसका नाम क्या है, NH-30 है। वो क्या आपका, NH-30। और आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये जो NH-30 है, इस NH-30 का पुराना नाम, इस NH-30 का पुराना नाम क्या है, NH-43 है। तो जो NH-43 अब क्या बन गया है, NH-30। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे भारत में सड़कों का राष्ट्रीयकरण 1988 को हुआ। कब हुआ, 1988 को। 1988 को हमने सड़कों को क्या बोला, नेशनल हाईवे बोला। फिर इन सभी सड़कों का रीनंबरिंग हुआ, इन सभी नेशनल हाईवे का रीनंबरिंग 2010 को हुआ। तो अगर सड़कों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमारे पास एक सड़क मिला जिसका नाम क्या है, NH-43। और मैंने बोला कि भारत में सभी नेशनल हाईवे का रीनंबरिंग 2010 में हुआ। कब हुआ, 2010 में। तो हमने NH-43 को 2010 से क्या बोल दिया, NH-30। क्या बोला हमने, NH-30। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आपके छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH-30 है। NH-30 का पुराना नाम क्या है, NH-43 है। NH-43 का NH-30 रीनंबरिंग कब हुआ, 2010 में। कब हुआ है, 2010 में। ठीक है, क्लियर है ये, अभी ध्यान दो। तो जब कभी भी आप NH-30 से प्रवेश करोगे कहां पर, कांकेर में, कहां पर, कांकेर जिला में, तो ध्यान देना सबसे पहले आपको एक जगह मिलने वाला है, और ये जो जगह होगा इसका नाम होगा चरामा। क्या नाम होगा, चरामा। तो NH-43 या NH-30 हम एंटर कर जाएंगे कहां पर, कांकेर जिला। तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, चरामा मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, चरामा। और जब कभी भी आप चरामा पहुंचोगे, जब कभी भी आप ये चरामा पहुंचोगे तो आप ये ध्यान देना, इसी चरामा के पास आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे। और जहां पहाड़ मिलेंगे तो आपको ये समझना होगा कि पहाड़ होगा तो वहां पर क्या होगा, चट्टान होगा। मतलब मेरे पास अगर यहां पर क्या है, पहाड़ है, तो इन पहाड़ों में क्या है,
चट्टान है, इन पहाड़ों में क्या है, चट्टान है। अगर चट्टान होगा तो समझ जाना उन चट्टानों में हमें क्या मिलेगा, खनिज मिलेगा, बिकॉज खनिज जो है वो चट्टानों से ही क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, खनिज के। मैंने गलत बोला, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल। जो चट्टान होते हैं वो किसके बने होते हैं, खनिज के। तो अगर पहाड़ होगा तो पक्की बात है वहां पर क्या होगा, चट्टान होगा। अगर चट्टान होगा तो पक्की बात है वहां पर क्या होगा, खनिज होगा। क्योंकि हमको ये मालूम है कि जितने भी जो चट्टान है वो सभी चट्टान किससे निर्मित होते हैं, खनिज से। किससे होते हैं, खनिज से। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे चरामा के इर्द गिर्द मेरे को बहुत सारे क्या मिल रहे हैं, पहाड़ मिल रहे हैं, तो पक्की बात है मेरे को यहां पर क्या मिलेगा, एक खनिज मिलेगा। और यहां पर जो मुझे खनिज मिलेगा उसका नाम क्या होगा, तो लौह अयस्क होगा। क्या होगा, लौह अयस्क। तो आपके चरामा के पूरे पश्चिम में, पूरे पश्चिम में जितने भी आपको जो पहाड़ मिल रहे हैं उन सभी में हमें लौह अयस्क के क्या मिलेंगे, निक्षेप मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लौह अयस्क के डिपॉजिट मिलेंगे, आयरन ओर हमको मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, आयरन ओर। तो अब बताओ, व्हेन एवर वी स्कूट फ्रॉम धमतरी टूवर्ड्स कांकेर, सबसे पहले हमें एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है, चरामा। And after reaching Charama, हम ये देखेंगे कि Charama is surrounded by plenty of hills and all those hills are comprises of minerals and those minerals are iron ore. वो मिनरल क्या है, iron ore. तो भाई आपके जो Charama के इर्द गिर्द में क्या मिलेगा आपको, लौह अयस्क मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, लौह अयस्क। अभी लौह अयस्क आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है ये हमको देखना है, तो ध्यान देना। तो हम एक नेशनल हाईवे पकड़े से, नाम क्या है, NH-30। NH-30 से हम कहाँ एंटर किए, चरामा। तो चरामा, तो चरामा के ठीक बाजू में, चरामा और उसी चरामा के ठीक बाजू में हमको एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, चारगांव। नाम क्या है, चारगांव। तो चरामा के बाजू में क्या मिल गया आपको, चारगांव। ये क्या आपका, चारगांव। ये क्या आपका, चरामा। ये क्या है, चरामा। ये क्या है, चारगांव। बोलना पड़ेगा, पहला नाम क्या है, चरामा, फिर क्या नाम है, चारगांव। इसी चारगांव के आगे में आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है कोलमनार। इसका नाम क्या है, कोलमनार। ठीक है, तो एक जगह क्या है, चरामा, फिर क्या है, चारगांव, फिर नाम क्या है, कोलमनार। तो पहला क्या है, चरामा, फिर नाम क्या है, चारगांव, फिर नाम क्या है, कोलमनार। क्या नाम है, कोलमनार। उसी कोलमनार के आप आगे बढ़ जाइए, तो कोलमनार के आप आगे बढ़ेंगे तो आप कहां पहुंचोगे, भानुप्रतापपुर। कहां पहुंचोगे आप, भानुप्रतापपुर। और जब आप भानुप्रताप पहुंचोगे तो उसी भानुप्रतापपुर में आपको एक पहाड़ मिलेगा, और वो जो पहाड़ होगा उसका नाम होगा आरी डोंगरी। क्या नाम होगा, आरी डोंगरी। तो आपको एक और पहाड़ क्या मिल गया, आरी डोंगरी। क्या मिला आपको, आरी डोंगरी। तो पहला नाम क्या है, पहला नाम क्या है, चरामा। बोलना पड़ेगा, नाम क्या है, चरामा। चरामा के बाजू में क्या है, चारगांव। चारगांव के बाजू में क्या है, कोलमनार। क्या नाम है, कोलमनार। और कोलमनार के बाजू में क्या है, भानु प्रतापपुर। क्या नाम है, भानु प्रतापपुर। इसी भानु प्रतापपुर के ठीक बाजू में, इसी भानु प्रतापपुर के ठीक बाजू में फिर से, मतलब भानु प्रतापपुर के पास क्या है, आरी डोंगरी। सॉरी, क्या है, आरी डोंगरी। और इसी आरी डोंगरी के ठीक बाजू में आपको फिर से एक पहाड़ मिल जाएगा। फिर से आपको क्या मिलेगा, एक पहाड़ मिलेगा। और ये जो पहाड़ है ये आपको दुर्गकुंडल के पास मिलेगा जिसका नाम क्या है, मेटा बोदली। क्या बोलो, मेटा बोदली। तो आपको एक और पहाड़ मिला, नाम क्या है, मेटा बोदली। नाम क्या है, मेटा बोदली। तो पहला नाम क्या है, पहला नाम क्या है, चरामा, फिर क्या है, चारगांव, फिर क्या है, ओलमनार, फिर क्या है, आरी डोंगरी, फिर क्या है, मेटा बोदली। क्या नाम है, मेटा बोदली। और इसी मेटा बोदली के आगे में फिर से आपको एक और पहाड़ मिलने वाला है, और ये जो पहाड़ है इस पहाड़ को हम बोलेंगे हल्दी पहाड़। क्या बोलो, हल्दी पहाड़। और इसी हल्दी पहाड़ के बाजू में आपको एक और पहाड़ मिलेगा जिसका नाम क्या है, ताक पहाड़। क्या पहाड़, ताक पहाड़। पहाड़ का नाम क्या है, हल्दी पहाड़। और हल्दी पहाड़ के अलावा नाम क्या है, ताक पहाड़। और इसी हल्दी पहाड़ और ताक पहाड़ को हम एक साथ बोल देंगे हा हल्दी पहाड़। क्या बोलोगे आप, हा हल्दी पहाड़। तो पहले नाम क्या है, चरामा। पहला नाम क्या है, चरामा। फिर नाम क्या है, चारगांव। फिर नाम क्या है, कोलमनार। फिर नाम क्या है, आरी डोंगरी। फिर नाम क्या है, मेटा बोदली। मेटा बोदली। और फिर क्या है, हा हल्दी पहाड़ी। बोलना पड़ेगा, नाम क्या है पहला, बोलोगे नहीं तो याद ही नहीं होगा। पहला नाम क्या है, चरामा। फिर नाम क्या है, चारगांव। फिर नाम क्या है, कोलमनार। फिर नाम क्या है, आरी डोंगरी। क्या नाम है, आरी डोंगरी। फिर नाम क्या है, मेटा बोदली। फिर नाम क्या है, क्या नाम है, हा हल्दी पहाड़ी। हा हल्दी पहाड़ी मतलब हल्दी पहाड़ी और ताक पहाड़ी। हल्दी पहाड़ी और ताक पहाड़ी। अब ये ध्यान देना, यहां पर भी हा कोलमनार के बाद आपका है मेटा बोदली।
नहीं नॉट मेड अप दी, आरी डोंगरी, क्या नाम है, आरी डोंगरी, आरी आरी डोंगरी। अब ये ध्यान दो यहां पर, तो ये एरिया भी आपका पहाड़ का है, ये एरिया भी क्या है, पहाड़ों का है। अब ये ध्यान दो यहां पर, यहां ध्यान देंगे, ये दुर्गोंडल है जहां पर क्या है, मेटा बोदली है, ये पखांजूर है जहां पर क्या है, हा हल्दी है। इसी मेटा बोदली और हा हल्दी के बीच में, इसी मेटा बोदली और हा हल्दी के बीच में भी आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, जिसमें एक का नाम होगा कांदा परवाह। नाम क्या होगा, कांदा परवाह। नाम क्या हो गया, कांदा परवाह। दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, कुर कुर सुबोरी, क्या नाम है, कुर सुबोरी। एक नाम क्या है, कांदा परवा, नाम क्या है, कांदा परवा, और एक नाम क्या है, कुर सुबोरी। नाम क्या है, कुर सुबोरी। तो एक नाम क्या बोलो, कांदा परवा, और एक नाम क्या है, कुर सुबोरी। कुर सुबोरी और कांदा परवा के अलावा इस चार गांव के पास, इस चार गांव के पास आपको एक और पहाड़ मिलेगा, इस चार गांव के पास एक और पहाड़ मिलेगा जिसका नाम है कोदोपाल। नाम क्या है, कोदोपाल, क्या नाम है, कोदोपाल। ठीक है, तो एक बार फिर नाम बोलना पड़ेगा, ये तीन नाम मैंने बताया, क्या क्या नाम है, कांदा परवा, नाम क्या है, कांदा परवा, और नाम क्या है, कुर सुबोरी, नाम क्या है, कुर सुबोरी, और नाम क्या है, कोदोपाल, नाम क्या है, कोदोपाल। ठीक है, अब ये ध्यान देना, चरामा एंटर किए, फिर से नाम बोलेंगे, पूरा नाम बोलेंगे, पहला नाम क्या है, चरामा है, फिर नाम क्या है, चार गांव, फिर नाम क्या है, कोलमनार, फिर नाम क्या है, आरी डोंगरी, फिर नाम क्या है, मेटा बोदली, फिर नाम क्या है, हा हल्दी पहाड़ी, फिर नाम क्या है, क्या नाम है, कांदा परवा, और नाम क्या है, कुर सुबोरी, नाम क्या है, कुर सुबोरी, और एक नाम क्या है, कोदोपाल, नाम क्या है, कोदोपाल। इसके अलावा ठीक यहां पर आपको एक और पहाड़ मिलेगा जिसका नाम है दलहद्दी माटी। क्या नाम है, दलहद्दी माटी। तो ध्यान देना, ये कांकेर जिले का वो क्षेत्र है जहां से हमको एक आयस्क मिलेगा, और ये जो आयस्क होगा इसका नाम क्या होगा, लौ आयस्क होगा। क्या नाम होगा, लौ आयस्क। तो कांकेर से लौ आयस्क आपको कहां से, कहां से मिल रहा है, बोला तो पड़ेगा, या तो करना ही पड़ेगा। यहीं पर नाम क्या है, चरामा, चार गांव, कोलमनार, मेटा बोदली, आरी